हेलो पीपल, मेरे किचन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी मैं ये सोच के शेयर कर रही हूँ कि इस बार अगर ईद पे आपके घर गेस्ट आए तो आप उनको क्या स्पेशल बना के खिला सकते हैं। तो इसीलिए हम बनाने वाले हैं कुनाफा। सच पूछो तो ये डिश मैंने भी पहली बार बनाई है और ये मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे लगा कि इसको तो शेयर करना बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुनाफा की चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में एक कप पानी और आधा कप चीनी डाल दिया है। इसको हल्का सा ऐसे स्टर कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। चाशनी में नींबू का रस हम इसलिए डालते हैं ताकि चाशनी ठंडी होने के बाद जमे नहीं। गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे और चीनी को घुलने देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी। आप चाहें तो रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसे ऐसे लगातार स्टर करते रहें जब तक चीनी घुल ना जाए। ये चीनी पूरी तरीके से घुल गई है। हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए और हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये मैंने 250 ग्राम पतली वाली सेवई ली है। हम आज सेवइयों से कुनाफा बनाएंगे, क्योंकि जो कुनाफा बनाने वाली सेवई होती है वो हर जगह नहीं मिल पाती है। इसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। फिर इसमें हम 2 चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे और बटर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से ये ऐसे हल्के से बाइंड होने लगेंगे। अब हम जिस पैन में कुनाफा बनाने वाले हैं उसमें 1 टेबलस्पून बटर लेंगे और उसमें हल्का सा फूड कलर डाल देंगे। आपको अगर फूड कलर नहीं यूज़ करना है तो आप ना यूज़ करें, इससे सेवइयों का कलर थोड़ा अच्छा आएगा। मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। ध्यान रखें, आप जो पैन यूज़ कर रहे हों वो हल्का मोटा हो और नॉन स्टिक हो, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा मोटा ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस पैन को तावे के ऊपर रखें और तब बनाएं। आप देख सकते हैं मैंने बटर को पूरे पैन में अच्छे से लगा दिया है और इसमें जो हमने सेवइयाँ रेडी की थी उनको ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। हमने जो सेवइयाँ रेडी की थी हमें उनकी आधी क्वांटिटी ही इस पर अभी स्प्रेड करना है। इसे अच्छे से बराबर से दबाते हुए स्प्रेड कर लें। आप चाहें तो इसे स्पैचुला के भी हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। इसे बराबर से ऐसे प्रेस कर लें। ये बराबर स्प्रेड हो गए हैं। अब हम इसमें क्रीम चीज डालेंगे। क्रीम चीज़ के बाद इसमें हम मोज़रेला चीज़ के छोटे छोटे पीसेस को भी ऐसे रख देंगे। अब हमने जो आधी सेवई बचा के रखी थी उसको इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे हल्के हाथों से या स्पैचुला की हेल्प से ऐसे प्रेस करते हुए पूरे में फैला देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऊपर से भी पूरी तरीके से कवर हो चुके हैं। अब मैं इसे गैस पे रख दूंगी। पहले मैंने इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखा है, फिर मैंने इसे लो फ्लेम पे करके 15 मिनट तक एक साइड से पकने दिया है। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो आपको ओवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्रीहीट करना होगा और फिर 150 डिग्री पे 10 मिनट के लिए इसे बेक कर लीजिएगा। 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये साइड साइड से हल्के हल्के रेड हो गए हैं।
तो अब हम एक प्लेट लेंगे और इसे उसके ऊपर फ्लिप कर देंगे, क्योंकि हमें इसका दूसरा साइड भी पकाना है। इसे बहुत आराम से और संभाल के फ्लिप करके हम पैन से निकाल लेंगे और अब हम इसे फिर से पैन में डाल देंगे। इसे बहुत ही ध्यान से और आराम से पैन में डालें, क्योंकि अभी जो हमारी सेवैयाँ हैं वो दूसरी साइड से कच्ची हैं। इसे ऐसे हम हल्का हल्का पुश करते हुए पैन में डाल देंगे और ऐसे साइड साइड से सेट कर लेंगे, ताकि इसका शेप बिल्कुल ख़राब ना हो। इस साइड को भी हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे करके पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और कुनाफा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इस गर्मा गर्म पैन में हम अपना पूरा शुगर सिरप पोर कर देंगे। शुगर सिरप डालने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कुनाफा एकदम रेडी है। इसको हम पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। रुकिए, मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा चीज़ी और यम्मी है। इस ईद पे आप भी कुनाफा ज़रूर ट्राई करें और हाँ, आप बताएं कि आपके गेस्ट को और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।